अस्तीफा देने तो पहला तुसी एक गल दसी सी कि तुहाडे घरे कोई पुलिस मुलाजम आए सीगे ते उहदे संबंध थोड़ा जिहा विस्तार दसो जी, उह मतलब सारी कहानी की हैगी है जी। देखो मैं अगे भी बहुत प्रेस रिपोर्टरां नूं इह गल दस चुके हैं कि अज तो तकरीबन डेढ़ पौने दो महीने पहला दस्सा, मैनूं एक्चुअल तरीक नहीं याद, कि डिप्टी सीएम साहब ने मैनूं बादल पिंड बुलाया सी। उत्थे बुला के उन्होंने मैनूं कहा भी साडियां कुछ मजबूरियां ने, तुसीं ऐतकी चोण नहीं लड़ने, तुसीं नहीं लड़ सकोगे। तो मैं उन्होंने पूछा जी भी किहड़ियां मजबूरियां, जे तुसीं मैनूं दस सको, कोई मेरे ते करप्शन का इल्ज़ाम, कोई होर किसी किस्म का, मेरी नलायकी का, या मैं इलाके की जी ला के सेवा नहीं की, कोई मेरे च नुक्स तो कढ़ो ना। कहते नहीं नुक्स कोई नहीं, पर साड़ियाँ कई बार पोलिटिकल मजबूरियां हो जाएं, थोनू कितने होर एडजस्ट कर देंगे। मैं कहा जी नहीं, मैं कितने एडजस्ट नहीं होना, मैं पोलिटिकल परिवार का है, मैं इलेक्शन लड़ना, जो तुम नहीं लड़ा सकते थोड़ी मर्जी है, क्योंकि सारा थोड़ी पार्टी तो होर कोई दलील अपील है नहीं, तुम्हें सारा कुछ करना सिर मत्थे है। चलो मैं उदू बाद आके आपके घर बैठ गया, मेरे वर्करा ने कुछ आके मैनू एक तरीके जिमें शिकायत जी होंगी ज शिकवा जहाँ हों गल की भी तुम कम घटाता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, ब्लू कार्ड शगन स्कीम वंडन वाली पई है। मैं उन्होंने कहा भी कैंडीडेट अपने नवे आ गए, वो ये सारा कुछ कम करे, हूँ ये मेरे वस का रोग नहीं गा। चलो उन्होंने आपदे कुछ नवे उम्मीदवार नाल किस कई किस्म के झगड़े, कई किस्म कोई रिफ्ट सी, उन्होंने उस दे मद्देनज़र पार्टी तो अस्तीफा देता जी, असं इनू कबूल नहीं करते, तो साडा पहला उम्मीदवार वधिया सी। फिर मैं पार्टी के जिहड़े सीनियर आगू आ, वो एक दो बंदे मैं वह भी परसों आपके घर बुला के उन्होंने कहा, मैं क्या मैं भी अकाली दल नाल आ, तो मेरी कोशिश है कि मैं इन्हों सारों टकाव, तो थोड़े नाल ही असी चलना जाना कित्थे है, तो तुसीं कोई इस तरह के हालात ना बना दो कि जिहदे नाल मुड़ के आना मुश्किल हो जाता। सो जी मैं ये कह के उन्होंने तोरिया, मैं थोड़े ब्लू कार्ड भी मेरे दफ्तर च पे आ 56 पिंडां दे, जो मर्जी तुसीं जा आपदे चक्के लै जाओ तो वंड दिओ। नहीं जी तुसीं वंड दिओ, मैं मैनू कहो मैं वंड दूंगा, मैं तो कम करी जाना, तुसीं वंडने तुसीं वंड लो जे तुहानू कोई फायदा हो सकता। चलो कल मेरे को मोहन लाल नाँ का एक एस एच ओ रामपुरा फूल तो, एस एच ओ निहाल सिंह वाला, एक कोई होर सब इंस्पैक्टर से, वो आए, उन्होंने कुछ मेरा जरायम पेशा लोगों का, उन्होंने तुम जानते हो जी थोड़े को आते तो नहीं जी आए हैं, इस तरीके के इशारे जो किए भी जिमें मैनू जलील ज करने वाली गल भी जो जी थो जिस मकसद न जिस मसले और जिस गल जिंदगी थोड़ा कदम वास्ता ना रहा हो, आके पुलिस के बंदे थोनू कह, तो मैनू दुख उदों लग्या कि जो पार्टी के सीनियर बंदे आ जथेदार तोता सिंह अर्गे जिहड़े बड़े मोढ़ी आ पार्टी च, जिले का प्रधान तीर सिंह वाला, बजाय इसके कि मैनू आके पुछदे मेरे जख्मा ते मलहम लाउंदे भी काका की गल होगी, तैनू की तकलीफ आ, किने तैनू तंग किया, हुण साडी ड्यूटी बन रही, असीं उम्मीदवार हैं। उन्होंने उल्टा यह कहा जी महेशिंदर सिंह का झूठ बोलता है, ये बड़ा मौका प्रस्त बंदा, इहनू टिकट नहीं मिली इस करके जा रहा, जदों कि टिकट तो मेरी दो महीनों की कट्टी हुई है। और मैं थोनू बेनती करना कि तुसी एक पत्रकार के रूप से तुसी कहने हो कि मेरी उस एस एच ओ नाल गल हुई है, वो कहते जी मैं चाह पीण गया सी। मैं थोनू बेनती करांगा हाथ जोड़ के कि मेरी सच्चाई नू दसण वास्ते लोगों नू कि वह मेरे घर गया सी, वह मेरे कोले आया सी, उन्हें मैनू उदू बाद जो मैं कहना कि मैनू इस तरीके के इशारे करके जलील करन दी कोशिश की, जां मैनू एक तरीके नाल डराउण दी कोशिश की कि मैं अकाली पार्टी तो जो पासे जाने की कुछ कोशिश की, तो मैनू माड़े नतीजे भुगतने पैणगे, वो भी तुसी उजागर करो ताकि मेरी सच्चाई लोगों के सामने आवे। इस करके मैं वो डिप्टी प्रिंसीपल सैकटरी गगन बराड़ होरां नू टैलीफोन किया, मैं DSP रमाणे नू टैलीफोन किया, लेकिन उन्हों का कोई जवाब मैनू नहीं आया। जो तो ना आया फिर मेरे को डेमोक्रेटिक सैटअप दे विच होर कोई हथियार नहीं सी, फिर मैं आपका गुस्से च अस्तीफा देता पार्टी तो, भी जो मैं कोई पुछता ही नहीं, बजाय मैं कहते झूठ बोलता है, कहते मौका प्रस्त है, वो मैं किसी मेरी गल का जवाब नहीं देंगे, फिर मैं होर की कर सकता से। फिर मेरे बिल्कुल बिल्कुल होर तो कोई कारण ही नहीं जी, तुसी पत्रकार हो, तुसी कहने हो भी अज मेरी गल हुई है, तुसी आप दस्या, मैनू तो पता नहीं सी इस गल दा भी तुसी उहनां गल करके आए हो। देखो उहनां नाल साडी गल हुई है, उहनां ने इह गल कही, कहिंदे वी अहीं चाह पीण गए सी निहाल सिंह वाला दे घरे, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ SHO ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਥ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ।